नमस्कार देवी और संजनो, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे करना चाहूंगा दरख्वास्त कि इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1,500,000 1,50,000 लाइक्स का। तो जल्दी से कर दीजिए लाइक ताकि हम आपके लिए लेके आते रहे मनोरंजन वाली वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया करके कर दीजिए सब्सक्राइब, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा दबा देना, घंटा भी दबा देना। और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और ये चैलेंज सिर्फ रंगीन नहीं होने वाला, ये चैलेंज होने वाला है बहुत ही ज्यादा संगीन। तो भाई साहब, इस चैलेंज में प्राइज मनी है, और वो प्राइज मनी है पूरे 1,000 रुपए नहीं, 1,00,000 रुपए। मतलब आज की वीडियो में मैं होने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा अमीर। अरे पैसे मिलेंगे कैसे ये बताओ जल्दी। सुन तो लो, जो हारेगा वो जीतने वाले को देगा 1,00,000 रुपए। और पर्चियों के बिना तो आप बता ही नहीं सकते कि आपको रंग कौन सा मिलेगा। और यार हम ये भी नहीं बोल सकते कि मैं जीतूंगी या कोई और जीतेगा, ये डिपेंड करता है कि किस बंदे की कौन सी पर्ची निकलेगी। सारा रंगों का खेल है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो का शुरू। तो जी गेम के रूल्स है बहुत ही ज्यादा सिंपल, हमें निकालनी है पर्ची, और पर्ची में जौन सा रंग आएगा उस रंग के मैक्सिमम फूड्स खाने के लिए हमें मिलेंगे 60 मिनट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी अपनी पर्ची निकाल कर देखते हैं किसको कौन सा रंग आता है। यार मेरे को ना बस ऐसा रंग आ जाए जो मुझे क्लियरली दिखता हो बस। मेरी किस्मत में रंग आया है काला। यार ये तो मुझे आना चाहिए था यार। और तुमने पहना भी काला हुआ है, और ओंकार का फेवरेट कलर भी काला है। ओह, और ओंकार के बाल भी काले। ओ वे ऑरेंज, मेरा आया है पर्पल। वैसे इतनी खुश होने वाली बात है नहीं है, मैं कितनी खुश हुई पर्पल। तो ऐसा करते हैं, अभी ना पकाटा करते हैं और देखते हैं सबसे पहले अपने कलर का फूड कौन खाएगा। मुक्ति की बारी में। सबसे मुश्किल है पर्पल, मेरे को जो लगता है शायद। छह खाने की आइटमें भी खा ली ना, मैं सोचूंगा भाई धन है ये लड़की। बट अगर मैं हार गई मुझे पैसे देने पड़ेगा, मुझे बस इस चीज की टेंशन है। इससे अच्छा या तो मैं ना जीतू ना हारू, बीच में रह जाऊं। चलो देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, जल्दी से चैलेंज करते हैं शुरू। तो मुक्ति, योर पर्पल टाइम स्टार्ट्स नाउ। और यार इसी बात पे ना मुझे एक शायरी याद आ चुकी है। बोलो। ये शायरी है उन सब फूडीज के लिए, क्यों भूख लगे मुझे हर पल, आज मैं खाऊंगी सब कुछ पर्पल। ऐसी 4-5 शायरी और बार के टाइम वेस्ट कर रही है। तो चलो भाई चलते हैं और देखते हैं मुक्ति पर्पल कलर का क्या क्या खाएगी 60 मिनट के अंदर। मुक्ति के ना ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हुए और ये आ चुकी हुई है मंडी में। यार देखो मैं मंडी में क्यों आई हूँ, दिमाग लगाओ। पर्पल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बैंगनी। कलर का नाम है बैंगनी, तो मैं सबसे पहले बैंगन खाने की कोशिश करूंगी मंडी में। अभी मंडी में ना चलते चलते मैंने रियलाइज किया प्याज का कलर भी पर्पल सा होता है, उसको दिख ही नहीं रहा है। यार प्याज दूर से पर्पल लग रहे हैं ना, पर ये नहीं खाऊंगी। दूर से थोड़ी पर्पल ही है वो, अंदर से कुछ और कलर के होंगे। नहीं पर्पल ही होता अंदर से, मुझे लग रहा है ये कलर लाइन है। मैं नहीं हूँ सच्ची में। टंटन है, एक बैंगन चाहिए। आइटम नंबर 1 बैंगनी। दो तो लेती, धोई हुई है, पानी छिड़का हुआ है। हाय 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 हाय, कैसी है? बहुत स्वाद है। नहीं मेरा कलर है ही नहीं है ये। 1 डन। मुक्ति के ना 10 मिनट हो चुके हुए, अभी तक इसने खाई है सिर्फ एक आइटम, और ये मंडी में आई थी इस उम्मीद के साथ कि 3-4 चीजें तो निपेट देगी। पर मुझे अभी ये समझ आ गया है कि आपको चाहिए है महंगे फ्रूट्स, वही पर्पल मिल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस तुझे पर्पल चाहिए, महंगा हो या सस्ता हो कोई मैटर नहीं करता। मुक्ति महंगे फ्रूट में कुछ पसंद आया? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पर्पल कलर है। ये पर्पल थोड़ी है, रेडिश पिंकिश है ये तो। कपड़े से मैच कर रही हूँ। मुक्ति हारने वाली है 1,00,000 रुपए आज। इतनी कंफ्यूजन ना मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई कि मैं ब्लू बेरी ले रही हूँ ये बोल के कि वो पर्पल कलर की होती है, पता नहीं। और 14 मिनट हो चुके हुए, जो आइटम ये लेके आई ना वो पर्पल दिख नहीं रही है, बट मैडम कह रही है कि पर्पल होगी तो कैसे। मुझे लगता है ना ये खाने का जब इसका शेक बनाते हैं तो वो पर्पल होता है। ओके आगे नहीं पर्पल नहीं, पर्पल नहीं है इसको। आ जाओ मैं भैया को बोलती हूँ इसका शेक बना दो। शेक बना दो क्यों, कौन से भैया को? अरे पर्पल कलर की होती है भैया, इसको आप शेक बना के दे सकते हो प्लीज। मुक्ति ना अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये पर्पल कलर है बना रही है मिल्क शेक। और 15 मिनट हो चुके हुए,
दूसरी आइटम भी इसके भी डाइसी है कि हुई है या नहीं हुई है। तो मुक्ति का रिस्क टेकिंग हो गया। कौन बोल रहा था ये पर्पल नहीं होती? अब जाके पर्पल है, अब जाके बिल्कुल पर्पल है। और 18 मिनट हो गए, दो चीजें हुई है मैडम की तरफ। वैसे नहीं, मुक्ति की तीन चीजें हो चुकी हुई है, क्योंकि वो फ्रूट भी कंसीडर होगा और ये शेक भी कंसीडर होगा। अलग अलग चीजें है दो वो कंसीडर कर रहे हो तुम। ब्लूबेरी, ब्लूबेरी भी कंसीडर होगी, ये भी कंसीडर हो गया। वही मुक्ति की लॉटरी लगी एकदम से। मुक्ति की जो स्ट्रेटजी है ना, वो है फेल। फेल स्ट्रेटजी, मतलब ये तो गाड़ी चलाने में ही अपना टाइम गवा रही है लड़की। सिर्फ तीन चीजें खाई है और ऑलमोस्ट तेरा आधा टाइम हो चुका हुआ बेटा। कोशिश तो कर रही हूँ ना मैं, तुम ढूंढ के देखो पर्पल चीजें। बेटा लड़ी लगा रहा, लड़ी पर मेरा कलर नहीं आया, पर्पल तेरी किस्मत में है। आग लगा दी मैंने। 23 मिनट हो गए हुए हैं और इसके दिमाग में क्या चल रहा है ना, इसके खुद को नहीं पता दिमाग को। रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे, गाड़ी भी मुझे बंद करनी पड़ रही है। यही तो चैलेंज है। यही थी मुक्ति, यही थी हर दुनिया का हर रंग है यहाँ पे पर्पल को छोड़। पर्पल कलर का डोनट नहीं है। और यार छोड़ो दुकान, क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से बेइज्जती होगी। मैं अपनी ब्लैक की ऑप्शन तो देख लो ना, बाद में मुझे आधा पड़ गया तो। ये पेस्टिंग करवाना, कौन सी? ये वाले चॉकलेट की, ब्लैक करंट में चॉकलेट की आइसक्रीम की टेस्टिंग कराना। मुझे समझ नहीं आया बोलने के। इसकी जुबान पे भी कंट्रोल नहीं है अब, दिमाग में तो पहले से नहीं था। भैया पर्पल है ना ये? यस भैया ने बोल दिया पर्पल है तो पर्पल है। नंबर 4 मैंने सोचा था डोनट खाऊंगी। और एक चीज की मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मुक्ति को ये नहीं पता अगली चीज खानी क्या है। पता है मुझे, पता है पर वो मिलेगी कहाँ से? चलो देखते हैं। मैं सोच रही हूँ स्वीट डिश में ना और भी बहुत सारी पर्पल कलर की चीजें आती हैं। अच्छा। तो एक बार यहाँ पे ट्राई। पर मुक्ति आइसक्रीम खा चुकी है, ये और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकती है। डोनट तो इसको मिला नहीं। क्या हो गया? शायद मिल गया कुछ। यार ये मीठी चीजों में ना रंग बिरंगी चीजें बहुत आती है। तो ये रहा मैक्रोन, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने तो खाया ही नहीं कभी जिंदगी में ये। मैडम जी पैसे ना ज्यादा लेना इनसे। जितने आराम से मुक्ति से तोड़ रही है ना। 30 मिनट हो चुके हैं इसके पूरे, हाफ टाइम इज डन। ऐसा लग रहा है मैं पर्पल लाइफ जी रही हूँ। वाह, एक मार्केट से दूसरी मार्केट, दूसरी मार्केट से तीसरी मार्केट, अब बस कुछ पर्पल चीज मिल जाए मुझे यहाँ पे खाने को, बस ये हार जाए मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। बॉटल नहीं है यहाँ पर्पल, यार बॉटल पर्पल है, अंदर से पर्पल होगी भैया। पर्पल होती है अंदर? नहीं 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 होती पर्पल, नहीं होती ना ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होती। मैं तो कुछ पर्पल आता ही नहीं, पागल है। तूने हारना नहीं, क्या कर रही है? शट अप, मैं ही पर्पल ले रही हूँ, अंदर से पता नहीं क्या निकलेगा इसके। कुछ पर्पल नहीं है, पिंक है। मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं दुकान से बाहर। गलत दुकान पे, गलत दुकान पे आ गए। सच्ची बताऊँ बहुत ही मुझे लग ही नहीं रहा था इतनी पर्पल चीजें आती भी है। मुक्ति को कब दिख रही है? हमें जाने दिख रही है। ये देख, तुम कह रहे थे ना पर्पल नहीं है, पर्पल नहीं, पर्पल कलर इसे बोलते हैं। मुक्ति लालच है वैसे तेरे पे, इतनी बड़ी दुकान में घुसने के बाद एक चीज उठा के लाई है तो उतार, और मेरे को इतनी चीजें पर्पल दिखी है, तूने कुछ भी नहीं उठाया। तुमने ड्रिंक भी तो एक ही कंसीडर करनी थी ना। तो खाने की भी तो चीजें होती है। च्युइंगम, सॉरी 40 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट रह गए हैं मुक्ति के। कितनी आइटम हो चुकी है गिनना, मैं आगे छह हो गई है। तो भाई साहब मुक्ति की चीजें रह गई हैं बहुत ही लिमिटेड, बट ये लड़की ना हार नहीं मान रही है। अब मैं करूंगी थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट। कैसे मतलब? जैसे कि ये लिखा हुआ है विद ब्लैक करंट, ये कुकीज है, तो मैं सोचू क्या पता इसके अंदर से पर्पल निकल आए। लाख रुपया है गवाने के लिए, पूरा पूरा थोड़ा हिसाब से चल। नहीं मैं जीतूं, इसको अब लेना ही पड़ेगा, इसके बिना इसके पास कुछ नहीं है। ऐसा मुक्ति पूरा थैला भर के लाई है अंदर दुकान से, पर मुझे लग नहीं रहा इसी आधी चीजें पर्पल होंगी। खोल, पर्पल तो होंगे, बट मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी पर्पल। ये होने वाली मेरी 7th आइटम, लेट्स सी कि अंदर से पर्पल निकलती है नहीं निकलती। फ्रूटेला की च्युइंगम, बस पर्पल निकला है अंदर से। देखो बाहर रैपर भी पर्पल है, अंदर का भी पर्पल है। और अंदर व्हाइट निकल जाए नहीं, पर्पल 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 पर्पल। ये मेरी ड्रेस से पूरा पूरा मैच रहा हूँ। कार यू अग्री? आइटम नंबर 7। Sure, ये तो ना मुक्ति ने बेवकूफ बनाया अपना खुद का। मैकविटीज के बिस्किट ब्लूबेरी, सॉरी ब्लैक करंट वाले पर्पल हो ही नहीं सकते। जब उसके ऊपर फोटो ही बिस्किट की बनी हुई है, ब्राउन कलर है। अगर ये पर्पल ना निकला ना मुक्ति, आई विल नॉट बी प्राउड ऑफ यू। तू लाख रुपए वैसे ही दे दे मेरे को, हार गई है तू। अभी तो बिस्किट है इसके पास। This is purple. ये purple. ये purple है। और ये सच्ची में मुझे बहुत स्वाद लगती है। सावर खट्टी खट्टी इतनी स्वाद लगती है ना। टाइम कितना हुआ ये खोलने में निकाल देगी सारा। देखो टाइम इसने 3 मिनट तो पैकेट खोलने में लगा दिए हुए हैं और अभी 12 मिनट पड़े हैं इसके। ये पर्पल है, ये पिंक है, ये पर्पल है, ऊपर थोड़ा उसके ऊपर शुगर कोटिंग सी हो रखी है। ये तो मुझे भी दे। अगर ये पर्पल निकल जाए ना, सच्ची बता रही हूँ, मेरी
9 आइटम्स हो जाएंगे। और ये वाला फ्लेवर ना इस वाली मिंट में मैंने पहली बार देखा है। ये है ब्लूबेरी योगर्ट, ब्लूबेरी योगर्ट फ्लेवर। यार मिंट में ब्लूबेरी योगर्ट फ्लेवर, हैरानी की बात है। मतलब आजकल फ्लेवरों की भरमार लगी हुई मार्केट में। अरे यार इसे कहते हैं बेइज्जती। मुक्ति यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, इधर भागूं मैं। और तेरी अभी तक 8 आइटम हुई। और क्या खा सकती हूँ मैं? पर अभी मेरे 8 मिनट बचे हैं और मैं बस ये सोचूं कि एक बार ना मैं घर पहुंच जाऊं, क्योंकि घर पे एक ऐसी चीज है जो कि पर्पल कलर की है। और जितने भी लोग शायद OMG व्लॉग्स देखते हैं वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो लेट्स गो। ये आंचल ने ब्लू टी बना के रखी हुई है। क्या बात है मुक्ति, 15 सेकंड में क्या मैं इसको 1 सेकंड में पर्पल कर दूंगी। आपको इसके अंदर डालना है नींबू, इसको हिलाने का है। ए पर्पल, क्या बात, 3-2 हो गया। 9 आइटम्स हो चुके हैं मेरी। तो इससे पहले कि लोग पूछे कि आप क्या पी रहे हो, सो गाइस दिस इज ओम धातु की ब्लू बूस्टर टी, विच इज आयुर्वेदिक टी। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं देन यू कैन बाय इट ऑन www.omdhatuayurveda.com। नीचे लिंक दे रहा हूं मैं, तो वो आप देख सकते हो। तो फाइनली मेरी हो चुकी है 9 आइटम्स। आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। गर्ल प्लेड वेल, गर्ल सच्ची प्लेड वेल। सच्ची में मेरे को अगर पर्पल कलर, पर्पल पर्पल कलर अगर मुझे आता, पर्पल तेरी याद अगर मुझे, अरे चुप हो जा 2 मिनट, अगर मुझे पर्पल कलर आता ना, मैं पहले तो 15 मिनट ये सोचता ब्लू और पर्पल में फर्क क्या है, और बाकी 15 मिनट में ये सोचता कि मुझे खाना है। मुझे समझ ही नहीं आता मुझे करना क्या है। इससे पहले फिर से किसी को ने समझ आया कि दोस्तों क्या बोल रहा है, देन ही इज कलर ब्लाइंड। मैं कलर ब्लाइंड हूं तो मेरे को कई कलर में डिफरेंशिएशन नहीं पता लगता। इसी बात पे वीडियो को लाइक ठोक देना बेचारे पे, तरस खाओ, वीडियो को लाइक कर जाओ। सिंपैथी चाहिए हमें, लाइक दिस वीडियो। अब ये था अगली बारी किसकी है, आदित्य की। चलो पुकारता करते हैं। मैं क्यों करूं पुकारता, मैं तो आउट ऑफ। दो लोग मिला साथी में मेडल चोर। अच्छा क्या मुक्ति यार, तो आदित्य की ऑरेंज चीजें खाने की शुरुआत करने से पहले मैं पेश करना चाहूंगा एक शायरी। हाँ बोलो बोलो। ओ गुरु तेरे टाइम कर दिया है मैंने शुरू। ये शायरी नहीं थी, नवजोत सिंह सिद्धू का डायलॉग था। डायलॉग चुरा लिया भाई। सड़क पे चलते चलते संतरी रंगी चीज देख ली भाई। पपीता कैसे दिया? 60 रुपए किलो। ये वो वाला दे दो आखिरी वाला, थोड़ा सा काट के टेस्ट करा दो भाई। ऑरेंज कलर है ना ये? ऑरेंज कलर है ना भाई? ये तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे थोड़ी सी, ये कलर कंफर्म करने में ना। ऑरेंज, तो मतलब 4 मिनट में आदित्य ने एक आइटम खा लिया। 4 मिनट हो गए इसके? हो गए भाई। मेरे पास बहुत चीजें हैं, आंटी पैक भी कर दो इसे। देखो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। तो मेरी जो दूसरी चीज है वो इतनी अनोखी है ना, वो भी किसी ने नहीं सोची होगी। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। शायद चिप्स खाएगा? चिप्स लगी तुझे? ये खट्टा था जो करने वाली चीज थी। बाज जैसी नजरे, यार लगी इसके जोर से, पर सच्ची पता नहीं क्यों आ रही है। इंजरीज हो जाती है ना, पर ध्यान से। तो भाई साहब ऑरेंज टांग लेके, सॉरी ऑरेंज चिप्स लेके मैं आ गया हूँ। लाल होएगी मेरी अभी टांग, थोड़ी देर में बहुत दर्द हो रहा है। ये चेक करो, ये ऑरेंज है। देख सच सच बोलिए, चीटिंग मत करियो, चीटिंग मत करियो। ऑरेंज है, येलो है भैया, ये पीला है, संतरी है भैया ने बोला पीला है ये। नहीं नहीं यार संतरी, नॉट कंसीडर्ड। नहीं नहीं संतरी है, पीला है यार ये। संतरी है ये भैया, सच्ची बताओ यार, पीला है संतरी? सच्ची बताओ, 10 रुपए दूंगा। संतरी नहीं है ये? संतरी है, संतरी है भाई। भैया ने 10 रुपए के चक्कर में संतरी बोल दी। संतरी है भाई। चलो ठीक है, दो चीजें हो गई। अब बारी आ गई है तीसरी चीज की। भाई साहब इसका पैकेट इतना ऑरेंज है ना, इतना ऑरेंज पैकेट है, ऑरेंज है, पर अंदर से बिस्किट अगर ऑरेंज नहीं हुआ ना, मेरे वाला काम ना हो जाए। मैं इतनी शिद्दत से पर्पल सोच रहा था, निकला कुछ और। तो बाहर से भी ऑरेंज है बिस्किट। ओए होए होए, दिस इज परफेक्ट ऑरेंज। वाह, तो 3 चीजें मैंने इतनी जल्दी खा ली 10 मिनट में। 3 चीजें क्योंकि तू हारेगी नहीं, तू बुरी तरह हारेगी। आदित्य के ना ऑलमोस्ट 19 मिनट हो चुके हो, और मुझे लग रहा है इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कलर जो ऑरेंज है ना उसमें खाने के लिए वैरायटी बहुत ज्यादा है। मैं सच्ची बताऊं मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ऑरेंज कलर में इतनी चीजें आती होंगी। तो भाई साहब अंदर शॉपिंग करके आदित्य गौतम आ गए हैं, और पहली चीज जो मैं खाऊंगा जो मेरी बचपन की यादें ताजा करेगी, पकड़ो। ओए होए, संतरे की गोलियां। और ये बस में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया इससे पता लग रहा है यार। तब तो ना ये 5 रुपए का पूरा पैकेट आता था, ये थोड़ी जुमाना चीज हो गया है, फैंसी हो गई है अब। ये भाई साहब हो गई मेरी चौथी चीज। क्या
मेरा चैलेंज अभी शुरू नहीं हुआ, मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ। स्वाद है यार, स्वाद वैसा ही है। अब बारी आ गई है अगली चीज की, जो कि आप सबने पी हुई है, वो है हमारा दिलकश दिलराज फैंटा। वाह आदि, इसका कलर नहीं दिख रहा, हाथ में डाल के पी। नहीं नहीं, ऐसे पीऊंगा नहीं, ऐसे। ऑरेंज ऑरेंज है। अब इसको भी ऊपर से पीना पड़ेगा या हाथ में डाल के दिखाना पड़ेगा? मुझे पता ही नहीं ऑरेंज है या नहीं है। ऐसे देख लेना, येलो है, येलो है, सच्ची में येलो है कलर। ऑरेंज लिखा इसमें, ऑरेंज लिखा, येलो ही इसलिए हो गया क्योंकि रिच इन विटामिन सी है। हाथ में डाल के दिखा कलर, क्या कर ये तो जा ही नहीं रहा। उई नहीं, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है। पास हो गया। तेरी कितनी चीजें हो गई है? छह भाई साहब। हम लाए अगला मैंगो जैम। टन टन भाई साहब, ऑरेंज कलर का जैम। ऑरेंज है, ऑरेंज है, मैंगो जैम ऑरेंज कलर का। क्या बात, मतलब और जो ऑरेंज जैम था वो येलो कलर का था। है सच्ची में? मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तेरे 26 मिनट हो चुके हुए, मुक्ति से जीतने के लिए सिर्फ तीन चीजें और खानी है तुझे। भैया ऑरेंज बार है, तू सुन ले यार, एक ऑरेंज बार दे दो और एक ये लॉलीपॉप दे दो ऑरेंज फ्लेवर की। ये सही है, जो इसको संतरी दिखता सब मांग लेता है। और मैं तब से देख रहा हूं, काला दिख ही नहीं रहा है। कोई नहीं, उनका अपनी टी-शर्ट खा लेना तुम। तो भाई साहब ऑरेंज बार की हमने एक नई खोज करी है। हाँ। वेरका की ऑरेंज बार 5 रुपए की मिलती है भाई, अभी भी 5 रुपए की ऑरेंज बार। मुझे लगता था 5 रुपए की अब कोई आइसक्रीम नहीं आती है, बट आज मैं गलत प्रूव हो चुका हुआ हूँ। सही बात है यार। ओए साइज तो देखो छोटा है, बट ये है कि चलो ऑरेंज की है, कलर ऑरेंज है। तो तेरी होगी है टोटल 8 चीजें 32 मिनट में। जब किस्मत हो अच्छी तो क्या करेगी बड़ी सी वेल की मच्छी। मुक्ति, तेरा और आदित्य का हो चुका है टाई। हाय हाय हाय, इतना कंजूस आदमी है ना, इतना कंजूस आदमी है। बेशक आज 1,00,000 रुपए जीतने वाला है। एक गाजर खरीदी है इससे, 7 रुपए हो गए। 7 रुपए, 7 रुपए की खरीदी है मैंने। मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं, कहानी मैंने फिरनी है। तो भाई साहब जो 7.5 रुपए की, सॉरी 7 रुपए की गाजर मैंने ली है, उसमें से 3 रुपए का तो इसमें कच रही है। हाँ। और 3 रुपए की गाजर है। तो ये रही, देखो अंदर से भी ऑरेंज है, इसको अभी मैं दंदी मारूंगा। है तो गंदी है पर मैं दंदी मारूंगा टाइम बचाने के लिए। ऐसे के लिए पता कुछ भी कर सकता है, बिना धोई हुई सब्जी खाएगा। कोई नहीं, इतनी से तो चलती है। अभी मैं एक दो और करियाने की दुकान में रेड मारने जा रहा हूँ, क्या पता मुझे एक दो ऑरेंज चीजें और मिल जाए। तो हो चुका है टोटल 52 मिनट्स। आदित्य तेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे और तूने सिर्फ 10 चीजें खाई हैं। 10 चीजें सिर्फ नहीं होती, तेरे हिसाब से वो सारी चीजें होती है। मुक्ति, तू हार चुकी है, तेरे मुंह से ये लफ्ज नहीं अच्छा लगता, सिर्फ। हाय शेम ऑन यू मुक्ति, तूने मेरी नाक कटा दी हुई है। और अगली जो मैं कुछ चीजें खाने वाला हूँ ना, वो चीजें मैं बड़े आराम से खाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ओंकार के लिए भी वो बहुत ज्यादा है। मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने ना दिखावा किया है कि मुझे काली चीजें मिलेंगी नहीं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि चैंपियन कुछ सोच के ना बैठा हुआ है। जीत के वही ही दिखाऊंगा, तो मेरे से ज्यादा खा के दिखा देना। तो पहले खाते हैं हम अपनी 11वीं चीज, जो कि है स्किटल्स। भगवान करे इसमें ऑरेंज ना हो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, हो ही ना। काफी ऑरेंज है, तेरा कलर पर्पल था ना, तू भी तो खा सकती थी। और मैंने इसको आइडिया भी दिया था, ये कहती नहीं नहीं उसमें नहीं होती। क्या ऑरेंज का फ्लेवर आया है, पूरा बैग फिर से भर के लेके आया। वो आदि पता नहीं क्या लेके आया। पहला भाई मैं किराने की दुकान वाला खाली कराऊं उसकी दुकान बिल्कुल। अच्छा बस इतना ही सामान था, बड़ा उसका बिजनेस तो बस खत्म ही था फिर। अगली चीज गेस करो क्या है। क्या मेरा पहला प्यार, पीरी पीरी, पहला और आखिरी पीरी पीरी। आखिरी तो मत बोलो, ऐसे दिल मत तोड़ो मेरा। तुम तो मैं लाया हूँ पीरी पीरी मसाला। क्या बात है, मुक्ति ये रस्ट कलर ऑरेंज है, ऑरेंज है। थोड़ी ना ब्राइटनेस कम करो, उससे पता चलेगा कि कलर एग्जैक्टली है क्या। ये देखो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज। ये इतना संतरी है ना, इसको सिंदूर में भर लो, सिंदूर मतलब मांग में भर लो। सॉरी, कैसा लगा पीरी पीरी मसाला? तेरा प्यार है, मैं बुरा कैसे बोल सकता हूँ। अब ध्यान से देखा, मुझे पहले लगा पीरी पीरी रेड कलर। मुझे भी लगता था यही, पीरी पीरी ने अपना रंग बदल लिया मुझे जिताने के लिए। तो भाई साहब अगली चीज है हमारी चडार चीज, मैच्योर चडार। चडार चीज नहीं है, इसको बस बोला जाता है महंगे वाला चीज। सही बात, जो सिर्फ दुकानों में देखने के काम आता था, पर इसने खरीद लिया। ये मुझे लग रहा है पहला बंदा हूँ मैं जो दुकान से खरीदा चीज। देखो भाई ये ऑरेंज कलर का चडार चीज मैं अभी ठूसने वाला हूँ। चीज कच्चा खाना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पर चैलेंज के लिए 1,00,000 रुपए के लिए ये अपना ईमान बेच चुका है। कितना नमक है इसमें, और इसके बाद और भी है कुछ खाने को? एक चीज रह गई है, ये है तंदूरी सॉस। अब ये मैंने कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं खानी बस। ऐसा लगा लिपस्टिक लगाने लगा। तो आइट में कितनी होगी? 14। मुझे जीतने के लिए चाहिए 15। मतलब तू यहाँ पे कर रहा है गिव अप? हाँ मैं थक गया। 1 मिनट बचा था आदित्य का, पर
इसने मुझे किया है अंडर एस्टिमेट और अब मैं इसको बताऊंगा गलती कर चुका है बेटा तू। आजकल जमाना है खराब क्योंकि होते हैं लोगों के अकाउंट हैक और मैं खाऊंगा कलर ब्लैक। मैडम जी टाइम को करो शुरू और फिर चैंपियन जीत कर दिखाएगा। ओंकार का टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं बता रही हूं इसको काला कुछ नहीं मिलने वाला। तो जी पहली दुकान पे मैं आ गया था, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है तो टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, स्पीड तो खींचनी पड़ेगी। दूसरी दुकान पे और चीजें ढूंढेंगे, चैंपियन तो जीत के रहेगा आज। चार मिनट हो गए ओंकार ने अब तक एक भी चीज नहीं खाई हाथ में, मेरे एक भी चीज नहीं खाई है। ले ले एक चीज की बात अगर हो रही है ना, काली मिर्च यार ये मैं जेब में लेके घूम रहा हूं। ये मैं पॉइंट नहीं मानती क्योंकि जब टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम पे आपको ये नहीं कि पहले मैं पैकेट ले लूंगा। मुझे क्या, ये ले ये कंसीडर कर लेगी ना। दो चीजें हो गई है अपनी। आइटम नंबर थ्री भी जो आ चुकी हुई है ब्लैक कलर की। देखो ओरियो को मैंने माना बट सच्ची बताऊं दिस इज चॉकलेट कलर, दिस इज नॉट ब्लैक। इसका नाम ही ब्लैक मैजिक है। एक्सक्यूज मी इधर आना प्लीज। एक आपको बस एक बात बता दी, दिस इज ब्लैक कलर और चॉकलेट कलर। चॉकलेट कलर ब्लैक ब्लैक और चॉकलेट कलर। लड़कियों से ना रंग के मामले में नहीं जीत सकते। ओंकार के सिर्फ दो पॉइंट। ओंकार क्या ये कलर क्या है? हाँ ये ब्लैक कलर क्या है? दिस इज ब्लैक। ये है अपना ब्लैक बर्गर, इसको कंसीडर कर लेगी। ब्लैक कलर में ना बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं बट मैंने बहुत ही खुराफाती चीजें सोची हुई है जिसके लिए मुझे ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है जिसमें मेरा टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। मैं ऐसी गाड़ी लगा दूंगा। अगली चीज मैं फ्री में खाऊंगा और बड़ी आउटलेट से। इस सब्बे में कौन सी काली चीज मिलने लगी? पता नहीं, बोलेगा भैया बन जला दो मेरा। ओले है ही नहीं, ओले भी नहीं है सब्बे में, किसी ने ओले पानी ओले कैंसल। भाई साहब जो चीज सोची थी वो तो पोपट हो गई हुई है मेरी। बेइज्जती हो गई। ओले खाली थी, ब्लैक ओले वही दिया सब्बे में। ओंकार के ना 20 मिनट होने वाले हैं और ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस में था ना कि मैं तो पता नहीं कितनी चीजें खा लूंगा, देख लो अभी। नाकाम कोशिशें करते हुए नो पॉइंट। यार मुझे था कि काले रंग की मिठाई भी आती है शायद कोई। भैया ने ये दिया है मुझे यार। ये ब्लैक नहीं है, तुम बताओ ये शर्ट से मैच कर रहा है? दिस इज नॉट ब्लैक। भैया ये काला रंग है? नहीं ना, ये काला नहीं है। प्लेट क्यों पकड़ो? यहाँ पे पैसे तू दियो, मैं नहीं दे रहा। दुकान से निकलते सारे ना बाबा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, सामने भैया आ गए। बाबा जी ने अंदर नहीं आशीर्वाद दिया कि गुलाब जामुन ने ऐसी 25 रुपए का लिया है। मैं आशीर्वाद दिया बताओ। ये देखो जी ये क्या है? ये क्या काला काला? ये हींग वाली गोलियां। सच्ची में ये ब्लैक है ना? ब्लैक है, ब्लैक है। थोड़ी खाना भाई, कहीं हींग नीचे से निकले पूरे दिन। तो ये है जी अपनी एटम नंबर 5। ओहो पूरी काली है यार ये भुक्ति, पक्का काली है ना यार। ये तो खाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा, सच्ची में मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। आम पापड़ सच्ची बोलूं मैंने और भी खाया हुआ, ये उसके कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा यार। मुझे चैलेंज की वजह से खाना पड़ा। आम पापड़ वो जो ऑरेंजिश रेड कलर का आता है मैं वो खाता हूँ, ये स्वाद भी नहीं है। और सच्ची बताऊँ ओंकार से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये 26 मिनट में 5 चीजें कर लेगा। अब आयो लाइन तो अब लगानी है मैंने। तो ऐसा ओंकार हमें लिया हुआ 8 सेक्टर की मार्केट में। भाई इतनी दूर दूर क्यों जा रहे हो? तुम्हारा टाइम बहुत कम बचा हुआ भाई। चीजें जहाँ से लेनी होती है वो जगह ही दूर दूर है यार। ये देख खरीद लो उसको, खरीद लो। ये मुझे बताओ ब्लैक? दिस इज ब्लैक। पक्का ब्लैक? हाँ भैया एक पीस का लो, कोई पैसे तो नहीं लोगे ना? और कोई काले रंग की चीज आती है बताओ आप मुझे। ये पहला इंसान है हम में से जिसने फ्रूट या सब्जी धोके खाई है, नहीं तो हमने धोके कुछ भी नहीं खाया। 6 चीजें डन, नेक्स्ट। तो जी ये है अपनी आइटम नंबर 7। स्पीड देख रहे हो चीजें, स्पीड तो ठीक है कि अलग अलग दुकान से इतनी जल्दी ले रहा हूँ। थोड़ी कम पीना, ये ऐसे पानी की तरह मत पी लेना क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कितनी नुकसानदायक होती है। काली है वैसे, होती तो काली है। काली है, सोया सॉस तो ब्लैक ही होती है। तो जी मुक्ति को हराने के लिए अब मुझे सिर्फ 2 आइटमें चाहिए। तो ये तो पी लो पहले। ओंकार की टोटल हो गई है 8 काली आइटमें। भाई हमें भी प्यास लगी थी, हमारे लिए भी उतनी गर्मी है। तुम्हारा कलर नहीं है ना, तुम्हारे ना पता क्या हुआ है, इतनी काली चीजें खा के तुम्हारा दिल काला हो गया, इसलिए तुम शेयरिंग करना भूल गए। नहीं नहीं अब नहीं पी रहा मैं, अब मेरा दिल तोड़ दिया जीजे ने, साले का दिल तोड़ दिया। इतनी भी काली चीजें नहीं खानी चाहिए। हाँ 2 आइटमें और ढूंढ लूं मैं। अरे थैंक यू भैया, जुग जुग जियो, फूतो फलो। आइटम नंबर 9,
मुक्ति और मेरा हो चुका है टाई। अंदर से मैंने ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया हुआ है, उसे बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ भटकी जा रहा है आदमी, 5-7 मिनट रह गए हैं इसके, अब किसी दुकान पे और आ गया हुआ है। मैंने सोचा था कि काली दाल खाऊंगा और आदित्य से भी जीत जाऊंगा, पर हमारी दाल जो है वो ब्राउन कलर की है। तो भैया ये वाली भी जितनी बेइज्जती कराई है ना, पहले चॉकलेट ब्राउन कलर की निकली, फिर ये ब्राउन कलर, फिर गुलाब जामुन भी काला नहीं था। तो जी ये है अपनी एक और काली चीज, इसको पकड़ेगा सर। इस बंदे को बनी बनाई काली दाल काली नहीं मिली, तो इस बंदे ने कच्ची काली दाल खरीद ली। भाई पेट दर्द हो जाता काली दाल खाने से, ज्यादा नहीं खाऊंगा ना। तो ये है मुक्ति से जीतने की खुशी में थोड़ी सी काली दाल। पहली बार किसी ने जीतनी खुशी में काली दाल खाई होगी। और अब आदित्य से जीत मतलब प्राप्त करनी है तो थोड़ी काली मिर्च भी खानी पड़ेगी। देखो तुम्हारे 57 मिनट हो चुके हैं, जो भी से बोलते हैं 57 मिनट हो चुके हैं। जीत जाऊंगा मैं। अरे कैसे कैसे जीत जाओगे, हाय हाय क्या क्या करना पड़ता है 1 लाख रुपए जीतने के लिए। खाने के बीच में भी काली मिर्च आ जाए ना तो मुझे कुछ होने लगता है। तो ओंकार की टोटल आइटमें हो गई हैं 11 और मेरे से ड्रॉ करने के लिए इसको 3 और खानी पड़ेंगी, जिसमें से एक इसने ऑर्डर कर दी हुई है जो कि है ब्लैक कॉफी। रन ये है अपनी ब्लैक कॉफी और आइटम नंबर कौन सा है ये? 12। एक बात मैं बोलना चाहूंगी, दिस इज नॉट ब्लैक, ब्लैक है यार। इसका नाम ब्लैक कॉफी बट कॉफी ब्लैक नहीं होती। ओ तेरे से मैं जीत चुका हुआ हूँ, अब तू रहने दे ये रोने। मैं ना अगर तू ना होती आदित्य से भी जीत जाता, सच्ची कह रहा हूँ। कॉफी अपने आप में ना एक कलर है, कॉफी कलर का सूट, पर उसको ब्लैक कॉफी, व्हिच इज नॉट ब्लैक। अगर वो बाकी चीजें कैंसिल भी कर दे तब भी तेरे से जीत गया ये। और द विनर ऑफ दिस चैलेंज इज, इधर फोकस करो, इधर फोकस करो, दाल पकड़ो यार, ये छोटी मोटी चीजें तुम पकड़ो। विनर ऑफ द चैलेंज इज गौतम। Give me my money, करोड़ों रुपए, सॉरी लाख रुपए। चलो कोई नहीं, एक चीज कमेंट करके जरूर बताओ, सबसे बढ़िया किसने परफॉर्मेंस दी है? आदित्य गौतम, सबसे रिलैक्स्ड, सबसे इजी परफॉर्मेंस मैंने दी है। इतने ज्यादा प्रतिष्ठा, प्रशासन, अनुशासन और बस जो भी होता है। तो अभी बैंक चलते हैं, मुक्ति पैसे निकलवाती है और तुझे देती है। तो जी बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा के ले आई है मुक्ति, और मैं गारंटी दे रहा हूँ इसको ना आपसे पर्पल कलर से नफरत हो गई होगी, गारंटी के साथ। यार तू पैसे ले ले, शॉपिंग करा दे मेरे को। और मेरे को ऑरेंज कलर से हो गया प्यार। यही पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी। मुझे बोल दो यार प्लीज। जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो है बंदर। तो भाई साहब ब्लॉग को करते हैं खत्म। फूडी वी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय टाटा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गाइस इंस्टाग्राम पे फूडी वी को फॉलो करना मत भूलना। ये बोले फारसी में थोड़ी बोला था, दिमाग खराब हो चुका है थोड़ा सा प्लीज।